मैं पानी पी रही थी, सारा पानी मुझसे गिर गया। यही कहते हैं कि फोन चलाते चलाते कोई काम नहीं करना चाहिए। मैं वीडियो देख रही थी, साथ में पानी पी रही थी, ऐसे सारा मेरे ऊपर ही गिर गया। मैं ना हमारे वाले घर के लिए इसी तरीके की इंटरलॉक टाइल्स ही लगवाने की सोच रही हूँ। ये जैसे ये पड़ोसी है ना, इन्होंने अभी लगवाई है। देखो इस तरीके की होती है, ये दो टाइलें होती हैं आपस में, और इनमें ना सीमेंट वगैरह कुछ भी नहीं डलता, ये ऐसे ही लग जाती हैं। और मुझे काफ़ी पसंद आ रही हैं ये वाली, ना अच्छी लग रही हैं काफ़ी। अभी विहान सो के उठे थे तो इसको घुमाने ले गई मैं, कहा थोड़ा सा ये घूम लेगा। ये मैंने वो वाला लड्डू दिया है जो न्योरतों में नहीं खाते बाबू को। ये आपको ये वाले घर दिख रहे हैं, इसमें देखो एंट्री ना खिड़की मतलब जो हमारा बालकनी है वो यहाँ साइड से दे रखी है, और आप पीछे वाले घर देखोगे ना उसमें एंट्री सामने से दे रखी है। तो यहाँ पे ना घर भी अलग अलग तरीके के हैं बनाए हुए। अरे एक और चीज़ मैंने नोटिस करी, जो ये वाली लाइन के घर है ना, इसमें देखो जो बालकनी दे रखी है वो घर के साथ अटैच नहीं दे रखी ऐसे करके। ये देखो ना ये घर जा रहा है, इसके साथ की जुड़ी हुई है। और ये वाले जो घर है ना सामने, इनमें बालकनी देखो बाहर की तरफ है, मतलब घर के पोर्शन से अलग आगे की तरफ निकाल के दे रखी है, घर के अंदर ही नहीं बना रखी है। यहाँ पे मम्मी अपने लिए बना रही हैं चाय, और देखते हैं आज करवा चौथ का व्रत मम्मी कैसे खोलती हैं। मम्मा रखा है व्रत आपने? अच्छा रखा है मम्मा ने। गणेश जी की पूजा होती है, पापा जी कह रहे घर वाले की नहीं होती। बाबू रात के 9:30 बज रहे हैं और यहाँ मैं पी रही हूँ बोर्नवीटे वाला दूध। ये करवा चौथ की रात थी और हमारा चांद है, और करवा चौथ का व्रत तोड़ लिया गया था यहाँ पर। बाबू भी ऊपर छत पर ही था। उसके बाद देखिए थोड़ा सा बाहर वैसे ही घूम रहे थे हम कार में, ऐसे ही ज़्यादा दूर नहीं गए थे, दुकान तक ही गए थे। उसके बाद बस हम अब घर की तरफ चलेंगे। और मैं इतनी थकी हुई थी ना रात को, मेरी आँखों से आपको दिख ही रहा होगा, मेरे को ऐसा हो रहा था कब मैं घर जाऊँ और कब मैं सो जाऊँ। मुझे इतनी थकान हो रही थी क्योंकि मैं सुबह 5 बजे उठ गई थी और लगा सुबह से काम में ही लगी हुई थी, तो थकान तो होनी थी। कौन आया कौन आया कौन आया? अरे वाह, जस्ट अभी आया है ये चूहा इसमें पिंजरे में। मैं सो के उठी, मेरे को आवाज आई पिंजरा बंद होने की। ये देखो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। नहा ली हूँ, नहाने के बाद अभी मैं फटाफट खाना बना रही हूँ। खाने के लिए देखिए सरसों के तेल की मैंने नई बोतल निकाली है, खोल ली। ये प्याज है, टमाटर है, और ये है हमारा क्या बोलते हैं इसको, घिया। घिया की सब्जी, क्या घिया 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 की सब्जी बनाऊंगी। उसे पहले मैं क्या करूंगी, मैं प्याज को ना मिक्सी में कद्दूकस कर दूंगी, प्याज टमाटर, ताकि थोड़ा जल्दी बन जाती है ना। चार्जर हटाते हैं यहाँ से। ये घी, पापा जी बोलते घी में बना ले। और ये देखो आज मैंने क्या शुरू किया है, फूड जर्नल शुरू कर दी मैंने, क्या खाऊंगी क्या नहीं। देखो सुबह आज उठी थी मैं 6 बजे, 6:30 बजे से मेरी दिनचर्या शुरू हुई। इसमें लिख रखा है मैंने सुबह उठते ही 5 काजू खाए, 6 मूंगफली खाई है, और सॉरी हल्दी ले गया हूँ। कद्दूकस कर दिया और टमाटर। कल शाम को जो मेरा वीडियो आया था जिसमें मैंने बताया था कि YouTube ने मेरा मोनेटाइजेशन ऑफ कर दिया, तो मैंने ना बहुत लोगों से पता किया। बल्कि उसके बाद पता है क्या हुआ, पहले तो मेरे चैनल के लिए मेल आया, उसके आधे घंटे बाद मेरी मम्मी के लिए चैनल के लिए भी सेम मेल आ गया। और उसके बाद मैंने मेरे भाई से पूछा, उसने कहा कि वो यूट्यूब का मोनेटाइजेशन बंद होने वाला जो मेल है वो उसके पास भी आया। फिर मैंने अपने दोस्तों से पूछा तो मुझे पता चला कि ये मेल सिर्फ मेरे पास नहीं आया, 90% यूट्यूबर्स के पास आया। मतलब सबके पास भी नहीं आया, ये कहूँगी कि हर एक के पास आया, बट काफ़ी लोगों के पास आया। तो उसके बाद फिर मेरे को ना आज किसी ने ना मुझे मैसेज किया था कमेंट में, कहा था आप इनकी वीडियो देखो, इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि ये कारण क्या है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो मैंने इस वीडियो उनकी वीडियो देखी, तो उन्होंने बताया कि आपका जैसे यूट्यूब होता है ना, यूट्यूब का जो एडसेंस होता है वो कई बार क्या होता है कि किसी वेबसाइट से भी जुड़ा होता है और यूट्यूब से भी जुड़ा होता है, तो पैसे आएंगे नहीं, वो वेबसाइट वाले नहीं आएंगे, यूट्यूब
वाले पैसे आएंगे आपके हर महीने। तो मैंने कहा वेबसाइट का वाला काम तो मैं वैसे करती भी नहीं हूँ, तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो फिर मुझे पता चला कि क्योंकि मेरे चैनल पे ना सबने कमेंट भी किया, कहा कि आपकी जो वीडियो आपने डाली थी ना कल, उस पे भी ऐड आई थी आखिरी में और शुरू में, तो अगर ऐड आ रही थी तो फिर मतलब वो उस मेल का मतलब थोड़ा सा ना मुझे समझ नहीं आया उस टाइम, मैं एकदम से बहुत डर गई थी। और जब मेरी चैनल के लिए आया था मेल तब तो मैं एकदम बहुत डर गई थी, मुझे सच में लगा था कि भाई गया चैनल, अब तो हो लिया काम। लेकिन फिर बाद में पता चला कि वो मेल सिर्फ मेरे चैनल के लिए नहीं था, वो बहुत लोगों के चैनल पर आया है। तो चलिए, ये जो भी दिक्कत थी, जो भी बात थी YouTube की तरफ से, वो मेरी सोल्व हो गई। मैंने यही बोला था अपने वीडियो में भी कि मैं, मेरे अगर चैनल पे मोनिटाइजेशन नहीं होगा तो मैं वीडियो नहीं डालूंगी, और मेरा मोनिटाइजेशन ठीक है अभी, इसीलिए मैं अभी वीडियो डालने लग रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरी बातें भी होती जा रही हैं और अन्ना मेरी सब्जी भी तैयार होने लग रही है। तो इसमें मैंने प्याज डाला, टमाटर, थोड़े से मसाले आपने देख ही लिए, बिल्कुल गिनती के चार डालती हूँ मैं, चार भी नहीं, बहुत कम, क्योंकि ज़्यादा मसाले सेहत के लिए ना अच्छे नहीं होते, शरीर को नुकसान देते हैं, इसलिए मसाले तो कम ही खाने चाहिए। तो अब ये देखिए जो बर्तन जो बच गए थे जैसे सब्जी बनाई, तो अभी इनको मैं साइड में रख के एक कोने में रख देती हूँ, थोड़ा सा किचन भी साथ के साथ समेट देती हूँ ताकि साफ सुथरी रहे। और यहाँ पे देखो मेरी डाइटिंग चल रही है और विहान मुझे लड्डू खिला रहा है, और वो इतने प्यार से खिला रहा था, ये चौलाई का लड्डू था, कि मेरा दिल करा यार ये वाला जो मूवमेंट है ना, इस मूवमेंट को इंजॉय कर, भाड़ में गई डाइटिंग। तो आप समझ ही सकते हो जब बच्चा आपको इतने प्यार से चौलाई का लड्डू खिला रहा हो तो नहीं मन करता मना करने का। मैंने बहुत बार मना किया, मैंने कहा बाबू नहीं खाना नहीं खाना, देखो कितने प्यार से मेरे को लड्डू खिला रहा है। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं खा ही लेती हूँ, और पीछे से बर्तनों की आवाज़ आ रही होगी, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मेरा बाबू बर्तनों के साथ खेल रहा है, तो माफ़ कीजिएगा थोड़ी सी आपको भी दिक्कत आ रही होगी सुनने में। और एक बात और आपके साथ मुझे शेयर करनी थी, पहले तो आप मेरे बाबू से मिल लीजिए, ऐसे ही छोटे प्यारे प्यारे से मुंह बनाता रहता है हमेशा। मम्मा फिर कल आपने अपना करवा चौथ किस टाइम खोला? करवा चौथ का व्रत 10 बजे। आपने खाना ही नहीं खाया रात को? बस थोड़े से कड़ी चावल खा, कड़ी चावल तो ऐसे ही आ रही थी। और ये पापा जी ने गिफ्ट किया है ना मैं आपको, चंद्रमा गले में जो पहने हैं, सामने आ गया था, सड़क पे दिख रहा है। और मम्मा रोटी बना रहे हैं, मैं भी सोच रही हूँ एक रोटी सुबह सुबह खा ही लूंगी, और सब्जी मैं खोल के दिखाती हूँ। सब्जी भी बन के बढ़िया सी तैयार, सिंपल सी बनाती हूँ। हाँ चिमटा तो आप ही रख लो मम्मा, मैं यहाँ ले आती हूँ नीचे ऊपर। मम्मा ये बर्तन लेकर आए थे, बोलते तू कुछ बर्तन यहीं पर रख ले किचन में अपनी, तो देख लो अब आप सारे बर्तन खुद लेकर बैठ गए हैं। घिया भी ला दूँ पापा जी, घिया की सब्जी थोड़ी सी ये लो पापा जी। खा रहा है खाना आपके साथ? प्याज खा रहा है, रोटी खा रहा है पापा जी? रोटी खा रहा है, खिला दो फिर इसको भी साथ में पापा जी, मेरे साथ नहीं खा रहा था, आपके साथ खा रहा है तो आपके साथ खा ले। मिर्ची लग गई इसको, मिर्ची घिया घिया में नहीं है मिर्ची, घिया खा लेगा। आजा बाबू मेरे साथ खा लेना, मम्मी ना रोटी इतनी पतली पतली बनाते हैं ना, मेरे को दो लेनी ही पड़ जाती है, मैं सोचती हूँ एक रोटी लूँ, क्योंकि मैं जो रोटी बनाती हूँ ना वो बहुत बड़ी, मैं ना मेरी जो रोटी होती है ना वो दो रोटी की एक बराबर होती है, मैं इतनी बड़ी रोटी बनाती हूँ, तो मैं इसीलिए मम्मी की, फिर मेरे को इस मम्मी को कहती हूँ मम्मी एक ही बना दिया करो मेरी बड़ी सी, वरना फील होता है कि दो रोटी खा रही हूँ, बट कोई नहीं चलो अब तो खा लूँगी। पापा जी मेरे अंदर क्या कमी है वो बता दो, सच्ची सच्ची बताना है, कोई ऐसी बात नहीं, कुछ आपको नहीं सोचना, YouTube पे बता रहे हो आप, बताओ क्या कमी है मेरे में? तेरे में बेटे ये कमी है तेरा जो दिल है ना। हाँ पापा जी बिल्कुल साफ, ये कमी क्या हुई इसमें? यही कमी है बस तेरे में। हाँ तेरे में यही कमी है, तेरा दिल साफ है। हाँ और तू अपने मन की भड़ास जो भी बात होती है खुल के कर लेती है। मन की भड़ास खुल के कर लेती है और मतलब किसी से कुछ छुपाती नहीं है, छिपाती नहीं हूँ, पाप नहीं है तेरे में। हाँ पाजी देख लो भाई, मैंने यही चीजें मेरे में थी, आप में थी। सेम सारी जिंदगी तंगी हुई, तंग रहे, तंगी ये बात तो है पापा जी, जो इंसान सारी बातें ना मतलब दिमाग से नहीं चलता दिल से चलता है, सब कुछ सबको बता देता है ना, वो नुकसान में जाता है, फंस जाता है, जो साफ मन का होता है ना। हाँ वो खीर में धोखा ही खाता है, धोखा खाता है, ये तो है पापा जी। आजकल जो जमाना है ना चुस्ती का है,
चुस्त आदमी का है हाँ। जो मतलब की दूसरे को बेवकूफ बना सके सबसे ज्यादा इधर से उधर करता रहे वो हाँ। कामयाब है। बाकी कामयाब तो हम भी रहे, हमने भी अपनी उम्र करी है, हमारे तो अंदर के जो मन की सर्टिफिकेशन है वो पूरी थी। जो ऐसे काम करता उनको सर्टिफिकेशन नहीं होती मन की, वो तो है अप्पा जी। हम सर्टिफाई है चाहे थोड़ा है, थोड़ा है चाहे कितना खाना होता है। ये अभी एक डेढ़ फुल्का मैंने खाया, एक डेढ़ शाम को खाऊंगा। सरकार बहुत कुछ देती है, वो तो है अप्पा जी।